पाक ने सुगरा ने साथ भी याद किया। अरे जिम्मेदारी एडी है, रसूल और नबी होना मकाम ही बड़ा बुलंद है, ये तो उच्चा मरतबा कह रहा भी अल्लाह तो थले हो ही होंगे, अल्लाह का वह वास राया है, अल्लाह का नुमाइंदा भी वो जबान चो निकलना सी समझना अल्लाह बोल रहा, बोलता इंसान है मगर असी उन्हें इंसान का कलाम नहीं समझना खुदा का कलाम, और जरा ना मने जिमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अता मुहम्मदन पक्का अता अल्लाह, सही बुखारी की रिवायत, जरा मेरी मनता अल्लाह भी मनता, मेरी ये कि गल मन असा मुहम्मदन पक्का सला, और जरा मेरी नाफरमानी करता उन्हें मेरी चीची उन्हें खुदा ने दुल कर दिता व मुहम्मद उन फर्क बैन नास, और फरमाया दिन क्यामत दे नेकोबद की तमीज़ कद होनी, मोमिन काफर जे छांटे कद एक ही नुकता होना कि मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिया ही कि नहीं मनिया, है इस तो एडा दर्जा कि खुदा नहीं नज़र आता उसकी जगह एक इंसान बोल रहा मगर गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाहबाद उसका कहना अल्लाह का कहना समझा जाता गर चैद हुकूम अब्दुल्लाबाद एडी वड्डी गल मगर नाजुक बड़ा। आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्ला मैनू कुरान शरीफ सुना, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह दे रसूल तुहाडे ते उतरिया तुहाडे कोल असां सिखिया तुहानू सुनाई, आपने हुणा नहीं सुनी, सूरा निसा शुरू की, और जदों इस आयत ते गए ते हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह नज़र पई ते रसूला दी दाढ़ी मुबारकां सोहणा तरस हज़ूर रो रहा सी, कैफा ज़ादे ना मिन कुल्ले उम्मतिन बशीदन वजे ना बिकाला हौला, पैगंबर उस वे की हाल होगा जदों हर उम्मत चो असी गवाह खड़ा करेंगे तो पूछांगे वे पहला सरकारी गवाह बयान करे कि दीन पहुँचाया, अगर एक बंदे भी साबित किया क्या मसला इस नबी नहीं सानू दस्सिया, उम्मत बड़ी माजला नबी मुजरमान के पैर खड़ा हो गया, होना नहीं ऐसा, मगर काम किटा पारा एक बंदे ने भी शिकायत कर दी कि दीन तो नहीं पहुँचाया, सानू कदा हिसाब मंगना, फिर मैं हर उम्मत चो गवाह खड़ा करांगे वजे ना बिकारा हवाला शहीदा, क्या तेरी उम्मत जी इन्हों के मुकाबले तेनों गवाह खड़ा करे, अमल शमल नहीं साढ़े पुछने वो मैं तो अगे बार बार अर्ज कर सकता वो इलामा माल काफ़ी है तो खुद इंसान के आजाद बोलने लिए काफ़ी, यह गवाही मंगनी कि तबलीग हुई दीन पूरी तरह पहुँचाया गया, अगर ये कमी रह गई इस तो ही कुरान मजीद चला पाक ने उतारा या युवा रसूल बल कमर ए रसूल तेरे ते जो कुछ तेरे रब की तरफों उतारा गया पहुँचा दे वैलम तफल फमा बल्लग तारे सारा, तो जे काम ना होया तो बड़ा वड्डा जुर्मी खुदा का पैगाम नहीं तू पहुँचाया, अल्लाह फल लूगा भी मैं अपनी रैयत के ना फरमानदारी किया मखलूकली हुक्म भेजा से तू दरम्यान से वास्ता से क्यों नहीं अगे दिता, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम दार उदार रो रहा है, उस वे क्या अब्दुल्ला बस कर बस कर, इस तो शान भी बड़ी उच्ची तो कम भी औखा, मगर अल्लाह ने अपने रसूल तो बाद मेरे तुहाडे जिम्मे लाता नबी कर दिते बंद, हुण हर शख्स सवाल तो करदा बिल्कुल मकबूल सवाल है भी जे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके नबी अलैहिस्सलाम तक चाहिए सी हिदायत देने हुण कित्थे गए फिर हुण दुनिया किसको सीखे, अल्लाह ने कहा नबी बंद करते कदालिक जालना उम्मतन वसतन, उस थान से नबी वाली जगह से तुहानू उम्मत नूं खड़ा करता, हर कलमा गौ पाबंद है ताकि जिन्ना उन्हें पता अगे पहुँचाए, अगर हुण मेरी तुहाडी शामत आ गई अल्लाह ने खड़े कर लिया भाई दुनिया दोज़ख नूं जांदी रही कोई हिंदू मर गया तुसीं कित्थे गए खुदा का दीन क्यों नहीं पहुँचाया, तो गल सुन लो फेरे फखर जरा ना कि हम उम्मत मरहूम है हजूर की उम्मत है लाडली ये लैके बह जूगा, अल्लाह ने आख्या लाडले ही बनू पैसे जरा काम से वह किसे पहुँचाया नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इस बारे बड़ी समझना एक खौफनाक सूरत हाल सामने लिया जी, बे क्यामत का दिन होना खुद रसूला होने अल्लाह की अदालत होनी, उस वे अल्लाह के रसूल ने जैसे पूछा कि क्यामत दिन हजूर सवाल कर हरफ है हक हजरत मन बुरदाई, मेरे को अल्लाह का कलाम ले लिया सी सुन्नत वसूल कर ली सी और मैदान अरफात मन गया सी बे यार रसूला तुसी कसर नहीं छड़ी बस चिरा बा दीगराना सपुर वो दुनिया नूं क्यों नहीं दिता, अंधेरा क्यों हो गया दुनिया इन्नी काफर क्यों मरी है कसूर किहदा है, हैं वो मशल बरदार ही जिहड़े सी उहनां दा बेड़ा गर्क हो गया जिहड़ा तुहाडे सी बत्ती बाल के दित्ती सी मुसाफरां दे अगे अगे चलो तुसी उहनूं आप ही छुपाता खुद भी अमल नहीं किया दुनिया जिहड़ी काफर मर गई, यह दुनिया ज़्यादा गुमराह मरन दा सबब साडा अपना कसूर जे उम्मत अपना काम करती रही जिमें साबा किराम ने बाद ताबीन ने किया कि दुनिया के कोने कोने पहुँचे अल्लाह का दीन जरा से उन्होंने पहुँचाया और इस बारे किसी का लिहाज ना किया ना लालच लिया ना किसी तो मरूब होए, ऐसे ऐसे बंदे भी खुदा ने पैदा किए कि हारून रशीद ने बुला लिया कि आलमे दीन कह लगा आलमे दीन जे तुम यह गल है तो तुम ना मेरे को थैली वसूल करो मैं खिदमत करना चाहता क्या अल्लाह का बंदा काम कर है कह लगा मेरे बच्चों सबक दिया करो ने कहा बच्चा दूजा ना आजूगा ना तो मैं उन्होंने नाल सबक पढ़ा दूंगा अल्लाह के रसूल की हदीस ऐसी नहीं भाई थोड़े बच्चों ने रहता टाइम से बाकी उम्र महरूम रह खलीफे ने नाराज होकर आख्या कि काश मैं तुझे ना देखता तेरे वर्गा मेरे सामने पेश करता आलम ने मेरा दरा अदब नहीं किया आलम ने भी मुँह से किया कि काश मैं तुझे ना देखता
तू मैं आना, मेरी भी तमन्ना तेरे मत्थे मैं ना ही लगता, मैनू तेरी हुकूमत का की ख्याल। यहोजे लोग से जोड़े रसूलों की अमानत के अमीन से, जिन्होंने झंडा उठाया से भी दीन मिटन नहीं देना, और जब तक ये काम रहा। उस अलामा इकबाल रहमतुल्ला शिकवा जाबे शिकवा पढ़ो, कैसी नज़म शिकवा हुई है, जेड़े हूँ भी हर मुसलमान का, असी किन्ने गए गुजरे हैं फिर भी रसूला की उम्मत हैं, फलां फलां साढ़े बड़े ने आ जहाज किए दरिया घोड़े दाड़ा। वो अल्लाह का जो जवाब दिता, अल्लाह ने आख्या मूँह वेखो अपना शीशी। वो जिन्हों की गल करते जे थे मस्जिद में उस जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरा होकर, तुहाडा गिला करन दा कोई हक हैगा? कोई गल तुहाडे जो पहले वाली हैगी किहड़े मूँह ना मेरे को आंदे जे फरिश्ते उतार, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब और 313 बन के आओ सही, 313 की माली मैं तुर पिया, मैं खाम खा पार्टी बना भी यूदा मारता फिर थोड़ी मैं जे तुम उन्होंने तो बदतर हो। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यूद, काफर भी शर्मसार हों भी सर तो भी गया गुजरे। अल्लाह क्यों मदद कर? अल्लाह के असूल है कि मुहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे, रसूल अल्लाह दे बनो अल्लाह तआला।